विधानसभा बजट सत्र के 90 दिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की महात्मा गांधी रूरल औद्योगिक पार्क का मुद्दा उठाते हुए भाजपा विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार में रीपा की आड़ में किए गए 600 करोड़ रुपए के बंदरबाट को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से प्रश्न पूछा, जिसके जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की। इसे लेकर धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच हेतु निर्देशित किया। आज रिपा को लेकर के मंत्री जी से हमने उप मुख्यमंत्री जी से हमने प्रश्न पूछा कि प्रदेश में 300 रिपा स्थापित किए गए हैं और उसमें कुल मिलाकर के आगे पीछे करके 500 से ऊपर करोड़ रुपया, लगभग 600 करोड़ रुपया की राशि उसमें इन्वेस्ट की गई है। लेकिन जिस प्रकार से रीपा का जो मामला आया और उसमें आज लगभग जगह में जाएंगे तो ताला लटका हुआ मिलेगा, कहीं पर मशीन नहीं है, कहीं मशीन है तो बंद पड़ा हुआ है और सरपंचों से दस्तखत करा करके उसमें अधिकारियों के द्वारा खरीदी की गई। प्रोजेक्ट उसका जो बनाने का है तो प्रोजेक्ट बनाने का उसमें 50 लाख 80 लाख रुपए लिया गया, 2 करोड़ का योजना, और प्रोजेक्ट बनाने का उसमें 80 लाख किसी में लिया है, किसी में 50 लाख लिया है, किसी में और कुछ लिया है। इन सारे मामलों को लेकर के जिस प्रकार से डीएमएफ के फंड का, और इसलिए हमने कहा कि उसमें किस किस मत की राशि है, तो बाकी तो बातें नहीं आई, अलग अलग बताएं, लेकिन डीएमएफ की जो राशि है उसकी बात आई है कि डीएमएफ की राशि का कैसे बंदरबांट किया जाता है वो रीपा के माध्यम से देखने को मिला। और इन सारी अनियमितताओं को लेकर के, करप्शन को लेकर के हमने मंत्री जी से मांग किया, उप मुख्यमंत्री जी से, कि जो रीपा का पूरे जाँच होनी चाहिए और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना करके जांच होनी चाहिए ताकि सारे मामले सामने आ सके और उसको कितना कहां पर क्या है उसकी सच्चाई सामने आए। मुझे अच्छा लगा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि हम चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बना करके जांच करेंगे, और समिति के हमने टाइम की बात की तो 3 महीने का समय उसमें उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, तो मैं उप मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ।